अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं, तो इसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए जो मेथड यूज़ होगा वो होगा फार्मूले वाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था यानी इक्वेशंस को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज किस तरह करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू और फिर सिंपल वैल्यू। अभी इधर एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू माइनस है, तो इसलिए इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो इधर बच जाएगा 0 और एक्स स्क्वेयर इधर आगे हो गया प्लस का एक्स स्क्वेयर। ये पहले से ही इस तरफ है इक्वल के, इसलिए ये 7x वैसे ही आ जाएगा। ये प्लस 2 इधर आगे हो जाएगा -2। अब इसको तरतीब से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x -2 इक्वल 0 के। ये पहला स्टेप होगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, बेशक आप फैक्टराइजेशन के मेथड से करें, कंप्लीटिंग स्क्वेयर के मेथड से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से करें। अभी नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ से वैल्यूज लेनी है। ए की वैल्यू होगी यहाँ से 1, जो एक्स स्क्वेयर के साथ बेस या नंबर होगा वो ए की वैल्यू होगी, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो आएगी बी की वैल्यू जो कि 7 है, और जो सिंपल वैल्यू होगी वो हम सी की लेंगे जो कि -2। साइन जो पहले होगा वैल्यू के वो साथ आएगा। ये दूसरा स्टेप हो गया, आपने ए बी सी की वैल्यू ले लेनी है। अभी नेक्स्ट आ रहा है मेन चीज़, जो ये सॉल्यूशन इस इन क्वेश्चंस का है, यानी इनका फार्मूला क्या है। एक्स इक्वल जो ऊपर वेरिएबल होगा उसको इक्वल रख लेंगे, फार्मूला आगे लगाएंगे -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, सिर्फ ये फार्मूला लग के तो आपके हर किस्म के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। मेन चीज़ ये फार्मूला इन क्वेश्चन में। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस वैसे आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 7, प्लस माइनस बी की वैल्यू फिर से आ गई 7 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई -2, ऊपर इसके आ गया स्क्वेयर रूट ओवर 2, ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वेयर आएगा 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, नीचे 2 1 2, -7 प्लस माइनस 49 और 8 को ऐड करेंगे तो 57 ओवर 2। ये हमारे पास यहाँ पे आ गई एक्स की वैल्यू। अगर ये मज़ीद सॉल्व हो सकता हो, मज़ीद कैसे सॉल्व होगा, अगर इसके अंदर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जैसे 49 होता या 16, तो उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते तो फिर ये मज़ीद आगे सॉल्व हो सकता था, लेकिन ये आगे नहीं जाएगा तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। सेकेंड 5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल 0 के। यहाँ पे पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज किया हुआ है, इसलिए ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे 5, बी की वैल्यू हम लोग रखेंगे 8, सी की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1। नेक्स्ट फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। आगे फार्मूले में वैल्यूज पुट, माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 8, प्लस माइनस बी की वैल्यू फिर से 8 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू आ गई 5 और सी की वैल्यू आ गई 1। इसके ऊपर आ गया स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू आ गई 5। -8 वैसे आ जाएगा, आगे प्लस माइनस, यहाँ पे 8 का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास 64, 8 8 64, माइनस 4 5 20, ऊपर स्क्वेयर रूट, नीचे हमारे पास आ गया 2 5 10।
माइनस एट प्लस माइनस, यहाँ इनको माइनस करेंगे तो 44 का स्क्वायर रूट ओवर 10। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि 44 का भी एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, लेकिन हम इसका फैक्टराइजेशन करके तो सॉल्व कर सकते हैं। यानी 44 की अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगी, 2 22s आ, 2 11s आ और 11 1s आ। तो यहाँ से हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं, माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 और यहाँ आ गया हमारे पास 10। अब ये जितने से का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस 2, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 11 का स्क्वायर रूट, यहाँ हमारे पास आ गया 10। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लें, अंदर क्या बच जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन चला गया इसलिए 1 बच जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम लोग 11 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे, नीचे आ गया 10। इनकी कटिंग कर लें, 2 1s आ, 2 5s आ, तो माइनस 4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट ओवर 5, ये हमारे पास यहाँ से x का आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें, थ्री स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 4 × 3 का स्क्वायर रूट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यूज के साथ स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल जो मेथड है वो फॉलो करते जाना है। आगे एक्स वाली वैल्यू, ये सिंपल वैल्यू इधर आके जब माइनस हो जाएगी, इक्वल की दूसरी साइड पे बच जाएगा 0, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर रूट, बी की वैल्यू आ जाएगी 1, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 3 का स्क्वायर रूट। आगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आपने कन्फ्यूज नहीं, और आपने सिंपली इसकी वैल्यू पुट करते जानी है, वो खुद ही सॉल्व होता जाएगा। माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस, यहाँ से भी बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 × 3 का स्क्वायर रूट, और ऊपर आ गया सारी का, सॉरी ये यहाँ तक जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 का स्क्वायर रूट। एक्स इज इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू माइनस 4 3 का स्क्वायर रूट, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर रूट को 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जैसी वैल्यूज हैं तो उनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर हमारे पास फिर से स्क्वायर रूट आ गया डिवाइडेड बाय 2 और ए की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर रूट। माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ से 1 आ गया प्लस 16, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो 3 आ गया बाहर, ऊपर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 × 3 का स्क्वायर रूट। उसके बाद आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16, 3s आ जाएगा 48, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 2 × 3 का स्क्वायर रूट। माइनस 1 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो 49 स्क्वायर रूट ओवर 2 × 3 का स्क्वायर रूट। माइनस 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 2 × 3 का स्क्वायर रूट, यही एक्स की वैल्यू।
आगे सेम उसी तरह जैसे हमने पीछे वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले भी किए थे, यानी प्लस माइनस आ रहा है तो इनको अलहदा अलहदा कर लेंगे। एक दफ़ा एक्स इक्वल माइनस वन प्लस का सेवन ओवर थ्री का स्क्वायर रूट 7 2, और एक दफ़ा एक्स इज इक्वल माइनस वन और माइनस सेवन ओवर 2 × 3 का स्क्वायर रूट। इनको हम लोग माइनस करेंगे, 7 में से 1 निकला तो बाकी 6 ओवर 2 × 3 का स्क्वायर रूट। ये 2 और 3 कट गए। अच्छा, ये मेथड आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, आप लोग 9th क्लास में करके भी आए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल में कर देता हूँ। 3 ओवर 3 का स्क्वायर रूट बच गया हुआ था, तो आपने स्क्वायर रूट अगर ख़त्म करना है तो 3 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ऊपर आ जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये इसे कट गया तो हमारे पास आ गया 3 × 3 का स्क्वायर रूट और नीचे आ गया 3। ये इसे कट गया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ से आप ये डायरेक्ट 3 का स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट करके तो नीचे से वैल्यू ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में कर लें तब भी ठीक है। एक्स इक्वल, ये माइनस वाली दोनों वैल्यूज हैं इसलिए ऐड होंगी, तो -8 ओवर 2 × 3 का स्क्वायर रूट, 2 1 2 4 ज़ा, एक्स की वैल्यू आ गई -4 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर की वैल्यू हमारे पास 4x² -14 इक्वल 3x। फोर एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x इधर आके हो जाएगा -3x और आगे आ गया -14 इक्वल 0। हम लोगों ने तरतीब से लिख ली वैल्यू। अब हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू आएगी जो एक्स स्क्वायर की है यानी 4, बी की वैल्यू आएगी जो एक्स की है यानी -3, सी की वैल्यू आएगी -14। अभी फार्मूला लगाते हैं, एक्स इज इक्वल -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, प्लस -b² यानी कि -3 का स्क्वायर फिर से, -4, ए की वैल्यू आ गई 4 और सी की वैल्यू आ गई -14 ओवर 2, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर जो है वो प्लस का 9 आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा तो आ जाएगा 16, और 16 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 14 × 16 224 आ जाएगा, 224 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, नीचे 2 4 8, 3 प्लस माइनस, अभी इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे 9 इसमें तो ये आ जाएगा 233 ऊपर इसका स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास आ गया 8। ये मज़ीद आगे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये इतना ही होगा, अगर फैक्टराइजेशन हो जाती इसकी रूट किसी से ख़त्म हो जाता तो हम मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये इतना ही रहेगा। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 5। 6x² -3 -7x इक्वल 0। पहला स्टेप फिर से इनको अरेंज करने का, 6x², उसके बाद x वाली वैल्यू, उसके बाद सिंपल वैल्यू, सॉरी ये माइनस ही रहेगी क्योंकि ये इक्वल की एक ही साइड पे है, सिर्फ इनकी जगह चेंज हुई है तो साइन चेंज नहीं होगा। माइनस का 7x और -3 इक्वल आ जाएगा 0 पे। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 6,
बी की वैल्यू आ गई -7, सी की वैल्यू आ गई -3। अभी फार्मूला एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। -b की वैल्यू आ गई -7, प्लस माइनस फिर से -7 का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू आ गई 6, सी की वैल्यू आ गई -3 ओवर 2 और ए की वैल्यू आ गई 6। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7, आ गया प्लस माइनस, -7 का स्क्वायर आएगा 49। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 18 और 18 4 72, यहाँ आ जाएगा 72 ओवर स्क्वायर रूट, और 2 6 12। 7 प्लस माइनस इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा 49 और 72 को। 49 प्लस 72 121 का स्क्वायर रूट और नीचे आ गया 12। 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 ओवर 12, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू थी। अभी स्क्वायर रूट आ गया, फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो इसका मतलब ये मज़ीद आगे सॉल्व हो सकता है, तो ये वाला हिस्सा हमें फिर से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी। एक्स इक्वल 7, एक दफ़ा प्लस का 11 ओवर 12, एक्स इक्वल 7, एक दफ़ा माइनस का 11 ओवर 12। एक्स इज इक्वल 11 और 7 को ऐड करें तो 18 ओवर 12, इनकी कटिंग कर लें, 6 2 6 3। एक्स इज इक्वल 3 ओवर 2, एक्स इज इक्वल 11 में से 7 निकला तो -4 ओवर 12, इनकी कटिंग कर लें, 4 1 4 3। एक्स का इक्वल आ गया -1 ओवर 3। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6। थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल 0, ये पहले से इक्वेशन अरेंज है, तो आगे से हम सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। फार्मूला एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। -b की वैल्यू आ गई 8, प्लस माइनस 8 का स्क्वेयर -4, a की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 2। ऊपर आ गया स्क्वेयर रूट ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, माइनस 4 3 12 और 12 2 24, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, नीचे आ गया 2 3 6। इक्वल -8 प्लस माइनस 64 में से 24 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 40, ऊपर आ गया 2 का स्क्वायर रूट और नीचे आ गया 6। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है 40 की, कैसे, 2 20 2 10 और आगे 10 2 और 5 आ रहे हैं तो वो करने की ज़रूरत नहीं, तो आप यहां तक रख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 ओवर 6।
माइनस एट प्लस माइनस, ये स्क्वेयर्स के रूट से कट गया तो टू बाहर और अंदर सिर्फ बच गया 10, यहाँ आ गया 6। अब फिर से हम पहले इसका टू कॉमन लेंगे, फिर कटिंग करेंगे, आपने डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी शुरू कर देनी। जब तक वैल्यूज़ के दरमियान प्लस माइनस हो इनकी कटिंग नहीं हो सकती, जब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तभी इनकी कटिंग हो सकती है। तो टू कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, माइनस फोर प्लस माइनस 10 का स्क्वेयर रूट ओवर 6। अब देखिए ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई, वैल्यूज ब्रैकेट के बाहर और अंदर है। अब इनकी कटिंग कर लेंगे, टू वन ज़ा और टू थ्री ज़ा, तो आंसर आ गया माइनस फोर प्लस माइनस 10 का स्क्वेयर रूट ओवर 3। ये हमारे पास आ गया एक्स का आंसर।